Good morning, friend. I'm Gopi Kumar Srivastav, and this is my 8th video of Dispersion Chapter 11. This is Class 11 and the Statistics subject, and we are talking about the topic Standard Deviation. After completing Mean Deviation, we are here to solve the problem related to the Standard Deviation. So, let's understand Standard Deviation with the help of a question, because every फॉर्मूला एवरी टॉपिक रिलेटेड टू द सम स्टैटिस्टिक में आपको सम मिलेगा. सम अगर सब सॉल्व करते हैं, सब कुछ सॉल्व कर देंगे ना. चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन को, और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का पहला वीडियो है, इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं. फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेंड बाय द 10 स्टूडेंट इन अ क्लास. मान लीजिए 10 बच्चों ने कुछ मार्क्स लाया है. आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से 10 चला गया. मतलब 10 बच्चों ने टोटल अलग अलग तरह का मार्क्स लाया. किसी ने 1 भी लाया, किसी ने 17 भी लाया. अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आपको देखने मिलेगा. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले इसको एक्स मान लेंगे मार्क्स को. ठीक ना, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है. इसमें भी आपको मीन का बहुत जरूरत पड़ेगा. मीन डिविजन में हमको मीन का जरूरत पड़ता था, और स्टैंडर्ड डिविजन में भी हमको मीन का जरूरत पड़ता है. और स्टैंडर्ड डिविजन में फॉर्मूला है वो रूट अंडर समेशन एक्स का स्क्वायर बाय एन है. और यहाँ जो एक्स है वो छोटा एक्स है, आप इसको छोटा एक्स मानेगा. और बड़ा एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स को जो हम लोग बोलते हैं बड़ा एक्स हो जाता है. और इसको जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसको हम जो साइन है वो इस प्रकार से साइन होता है उसका. तो आप देख लीजिए, इसको मान लीजिए उल्टा 6 कर दीजिए, तो आपका ये साइन है बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिर्फ साइन है. साइन बोल जो होता है ना, जैसे मीन डेविएशन को कैसे इंडिकेट करते हैं, मीन डेविएशन को एम डी मीन इस तरह से इंडिकेट करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को इस प्रकार से दिखाते हैं. अब हमारे पास है क्वेश्चन, और एक और टॉपिक है जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, जैसे मीन डेविएशन था, तो इसका एक फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन. जब भी एक्स पे डैश लगा रहेगा मतलब वो मीन है, करेक्ट, वो एक्स नहीं होता. तो चलिए सबसे पहले हमें निकालना है समेशन एक्स. तो समेशन एक्स निकालने के लिए हमें ये सारा चीज को जोड़ना पड़ेगा, और ये हमने डायरेक्ट जोड़ के रखा है ताकि हमें जोड़ने का समय ना लगे और हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर सके. तो ये टोटल आपको 110 मिलेगा. 110 देखिए, 110 आ गया, और यहाँ पे हमारा समेशन एक्स जो हो गया 110, और एन को ही हम लोग एफ बोलते हैं, या एन बोलिए, 10 स्टूडेंट है, काट दोगे तो 11 आ जाएगा, करेक्ट. तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया 11. आगे ध्यान देते हैं, आगे ये ध्यान देते हैं कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से निकालना है. पर स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले आपको स्मॉल एक्स निकालना है. तो स्मॉल एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है आपका एक्स माइनस मीन. जैसे देखिए ये मैंने यहाँ दिखा के रखा है एक्स माइनस मीन. तो हमारा ये छोटा एक्स अगर निकालना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में, तो आपको यहाँ एक्स माइनस मीन करना. एक्स कौन है हमारा, ये है. अब मीन कहाँ है, मीन 11 है. तो 12 माइनस 11, इसमें माइनस माइनस को इग्नोर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल नहीं है. मीन डिविजन में हम लोग इग्नोर करते थे, पर यहाँ पे हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे. याद रखेंगे इस बात को, दोनों में यही अंतर है. आपको क्वेश्चन स्टैंडर्ड डिविजन और मीन डिविजन में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हो सकता है दोनों देते हैं एग्जाम में, और ये भी कम से कम 4 मार्क्स से 6 मार्क्स का कवर करता है. तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है हमें, फिर 8 माइनस 11 करेंगे तो नेगेटिव दिखेगा, माइनस 3, फिर 17 माइनस 11 करेंगे तो 6 दिखेगा, फिर 13 माइनस 11 करेंगे तो भी 2 दिखेगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे 4, फिर अगर करेंगे तो माइनस 2, 18 माइनस 11 करेंगे तो 7, 11 माइनस 11 करेंगे तो 0, 6 माइनस 11 करेंगे तो माइनस 5 है ना, और 1 माइनस 11 करेंगे तो माइनस 10. चलिए इसका तो कोई काम नहीं है, हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं छोटा एक्स का. तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होगा. अब माइनस माइनस कट जाता है, हम सभी जानते हैं अगर इसका स्क्वायरिंग करें तो हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस 3 इंटू माइनस 3. अब माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, 9 आ जाएगा. उसी प्रकार से जब भी किसी नेगेटिव साइन का अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो पॉजिटिव में आता है. ये 36 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, ये 4 हो गया, 49 हो गया, 0 हो गया, 25 हो गया, ये 100 हो गया, करेक्ट. अब इससे भी हम लोग जोड़ देते हैं ताकि हमारा समेशन निकल जाए. तो इसको भी हमने जोड़ के रखा है, और ये हमारा है 244. ये समेशन एक्स का स्क्वायर निकल गया. अब यहाँ पे समेशन एक्स का स्क्वायर को हम लोग पुट कर देते हैं 244, और एन हमको पता है कि एन हमारा 10 है. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा रूट में ही आंसर आएगा 24.4. अब सवाल है कि इस रूट को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको नहीं दिखाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा. पहले तो इसका आंसर देख लीजिए आप, 4.94 है. ठीक है, 4.94 है, करेक्ट. इसमें बहुत ज्यादा दिखना पड़ता है आंसर क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है. उसको हम लोग बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए, उपयोग करने के लिए, उस सब आप बच्चे कर सकते हैं. प्लस माइनस करने में क्या दिक्कत है,
प्लस करना माइनस करना इंटू करना ये सब तो बचपन से करके आते हैं रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं बचपन में हमने क्लास 8 में रूट के बारे में पढ़ा था। चलिए इसको तो मैंने आपको दिखा दिया डायरेक्ट की रूट का वैल्यू इतना है, पर आखिर सॉल्व कैसे किया जाए, इसका आंसर क्या है। देखिए रूट को सॉल्व करना है तो आप 24.4 यहां पर लिख दीजिए, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं हम लोग। और ये डिवीजन मेथड किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले आप पेयरिंग बनाएंगे। पेयरिंग का मतलब होता है ये पॉइंट के उधर चला के इसको हटा दीजिए, पॉइंट के उधर वाला चीज को उधर हटा दीजिए और यहाँ से दो का पेयर ले लीजिए। पॉइंट वाला को अलग कर दीजिए, बिना पॉइंट वाला को भी अलग कर दीजिए, मतलब पहले वाला को। फिर क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे 24 है, ऐसा टेबल लीजिए कि 24 आ जाए या उससे कम आ जाए। जैसे अगर आप 4 लेते हैं, मान लीजिए अगर मैंने 3 लेते हैं तो जो भी टेबल लेंगे तो आपको 3 से ही इंटू करना पड़ेगा, यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि बहुत कम हो गया। आप जो नंबर लेंगे उससे इंटू करना पड़ेगा, याद रखिएगा। मान लीजिए अगर आपने 5 लिया तो 5 से इंटू करना पड़ेगा, 25 हो जाएगा। तो 5 तो ले नहीं सकते, इससे ज्यादा बड़ा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4। तो 4 से अगर 4 को इंटू करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ये कितना बार में आया, 4। बात समझ में आ रहा है। और जितना अंदर इंटू होता है उतना ही बाहर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये चीज मतलब 4 इंटू भी होगा 4 से, फिर बाहर में प्लस भी हो जाएगा। तो ये है डिवीजन मेथड, इस तरह से हम लोग रूट को सॉल्व करते हैं, आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसको देखेंगे तो हमारा जो डिफरेंट यहाँ पे दिखेगा वो हमारा 8 का दिखेगा। ये पॉइंट के साथ हमारा ये उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पॉइंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, पॉइंट को तुरंत ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद 4 उतारते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि आपको पॉइंट के बाद 0 भी फ्री में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब 8 के साथ कोई नंबर सोचना है आपको, 8 के साथ कोई नंबर, जैसे 9 सोच लेते हैं। चलिए 9 है यहाँ, तो 9 सोचेंगे, 8 और ये 72 और 8 बिल्कुल 81 और 72 और 8 सभी को पता होगा, हमको भी पता है, कोई बात नहीं। 180 हो जाएगा, 72 और 8 कितना 80 होता है, 72 और 8 तो 801 आ गया, मतलब ये 4.9। मतलब देखिए 4.9 आ गया, हमारा उसको अगर आगे सॉल्व करें तो हमारा 4.94 भी आ सकता है, करेक्ट। तो ये हमारा तरीका था डिविजन मेथड निकालने का, जो मैंने आपको बता दिया। आप अच्छे से उतार लीजिएगा, बैक करके पुश करके थोड़ा सा वीडियो को आप इसे निकालते हैं। आगे जरा ध्यान देते हैं आप हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डिविजन आ गया है, स्टैंडर्ड डिविजन साइन हो गई है और हमें उससे मीन से डिवाइड करते हैं, तो मीन हमारा 11 है। और 11 को डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.45। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। और आपको इसमें भी बेसिकली फार्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, सबसे पहला मेथड है, इसीलिए इसमें बहुत चीज़ आसान था। बट जब हम लोग शॉर्टकट मेथड में आएंगे या स्टेप डायरेक्शन मेथड में आएंगे तो बातें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। बट देखा जाए सेम टू सेम आपको मिलेगा अर्थमेटिक मीन, अगर आपने सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से पढ़ा है तो आप मीन डिविजन और स्टैंडर्ड डिविजन को भी अच्छे से बना सकते हैं। तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि अगर आपको स्टेटिस्टिक्स को सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि देखिए मुझे फॉर्मूला के ही देख के समझ में आता है कि मुझे कैसे बनाना है इसे, ठीक ना। तो बनाना आसान है बहुत, बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप याद रखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है 4 से 6 मार्क्स में एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू, दिस वीडियो कंप्लीटेड, मस्ट राइट दिस, आप इसे पूरे अच्छे से लिख लें। चलिए हट जाते हैं, थैंक यू।